शनिवार को एक बार फिर अजमेर में मूसलाधार बारिश सुबह से ही शुरू हो गई है और मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर रखा है, जिसके अंदर अजमेर भी शामिल है। और अजमेर के अंदर देर रात तक आज मौसम बिल्कुल ऐसा ही बना रहेगा। बारिश जो है वो अभी थोड़ी देर के लिए थम गई है, लेकिन जो बादल हैं वो छटे नहीं है। अंधेरा शहर के अंदर इस वक्त कायम है और ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कितनी यातायात व्यवस्था चरमरा गई है शहर की। आपको जगह जगह पानी ये दिखाई दे रहा है। स्टेशन रोड की ये तस्वीर है और इस तस्वीर को आप देखिए, यहाँ पर हमेशा पानी बरसात के बाद पानी भरता है और आज फिर यहाँ पर पानी भर गया है। और इस पानी के साथ में जो ट्रैफिक है वो पूरा मॉडर्न ब्रिज की और मॉडर्न ब्रिज का जो ब्रिज है वो पूरी तरीके से जाम है। नगरा का जो इलाका है वो पूरी तरीके से जाम है, स्टेशन रोड पूरी तरीके से जाम है और उसके साथ साथ ये जो एलिवेटेड रोड का जो निर्माण कार्य इस वक्त अजमेर शहर के अंदर चल रहा है वहां पर भी जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को जो जायजा यहाँ पर लेना चाहिए था वो उन्होंने नहीं ले रखा है और उसके चलते ये जो एलिवेटेड रोड का जो काम हो रहा है उस रोड के ऊपर के जो खुले खुले आपको सरिये दिखाई दे रहे हैं, जो पिलर्स के जो सरिये हैं वो भार पड़े हुए हैं और ये एक बड़े हादसे को निमंत्रण यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस एलिवेटेड रोड के जो पूरे शहर में जगह जगह पर जो काम हो रहा है, निर्माण कार्य जो चल रहा है, वहां पर जो सुरक्षा के मापदंडों को पूरा नहीं किया जा रहा है वो उनका उस और कहीं पर भी ध्यान नहीं है। इसके साथ ही शहर का जो आगरा गेट जो सर्किल है, आगरा गेट चौराया है, यहाँ पर भी जाम की स्थिति इस वक्त बनी हुई है और पानी जो है पानी इस वक्त शहर के अंदर स्टेशन रोड पर और मॉडर्न ब्रिज का जो इलाका है यहाँ पर बहुत ज्यादा भरा हुआ है, जिसके चलते जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से जाम बना हुआ है।